बच्चों, आज की हमारी कहानी है चींटी और कबूतर। एक बार की बात है, एक जंगल में एक नदी के किनारे बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर एक कबूतर रहा करता था। एक दिन एक चींटी उस नदी पर पानी पीने के लिए गई, तब वह कबूतर उस पेड़ की डाल पर बैठा था। चींटी पानी पीते हुए पानी में फिसल गई और पानी के साथ बहने लगी। कबूतर ने चींटी को बहते हुए देखा तो उसने एक पेड़ से पत्ता तोड़ा और उस पत्ते को नदी में गिरा दिया, जिस पर चींटी बैठकर किनारे आ गई और उसकी जान बच गई। तो चींटी ने कबूतर का धन्यवाद दिया और इस तरह वे दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए। फिर एक दिन कबूतर पेड़ पर बैठा था, तभी एक शिकारी वहां पर आया और कबूतर को मारने के लिए जैसे ही उसने बंदूक उस कबूतर पर चलाई, तभी चींटी ने देख लिया और आकर शिकारी को काट लिया, जिससे उस शिकारी का निशाना चूक गया और बंदूक की आवाज़ सुनकर वह कबूतर उड़कर भाग गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में किए गए बड़े काम और अच्छे कार्य कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। अच्छे कामों का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है, इसलिए हमें जब भी कभी देखें कि किसी को हमारी ज़रूरत है, हमें उसके काम अवश्य आना चाहिए।